हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स कंप्यूटर बुक। वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टुडे वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Then input, the first topic is input. The word input basically means how to enter data into the computer through the keyboard and mouse. Input का सामान्य तौर पर अर्थ क्या है कि जो data है, जो हम input करते हैं, जो data हम डालते हैं computer में, then how to enter data, कैसे enter होता है, थ्रू द कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड और माउस की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रिजर्व अ टिकट ऑफ एन एरोप्लेन फॉर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, अगर आप दिल्ली से मुंबई के लिए अपना कोई एरोप्लेन टिकट बुक कर रहे हैं, ऑल यू नीड टू डू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इज to provide the details of name, age, date of journey, etc. तो आपको अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी तारीख, जिस तारीख को आप यात्रा करना चाहते हैं, जर्नी डेट, ये आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, है ना। तो ये हमें क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्स हमें देनी पड़ेगी। एंड जी ये क्या हो गया, जो हम डिटेल्स दे रहे हैं, ये है हमारा इनपुट। फिर आता है प्रोसेस। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस, रेफर्स टू कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग आउट डेटा यूजिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है, गणना करता है या सॉर्ट करता है उस डेटा को, किसकी मदद से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि हम CPU भी कहते हैं, और आजकल आम बोलचाल की भाषा में इसे कैबिनेट भी कहते हैं। फॉलोइंग द सेम एग्जाम्पल, इसी सेम एग्जाम्पल को हम लेते हैं, द पर्सन मैनेजिंग द काउंटर, वो व्यक्ति जो वहाँ पे काउंटर को मैनेज कर रहा है, काउंटर पे काम कर रहा है, विल चेक योर डिटेल्स, वो आपकी डिटेल्स को चेक करेगा एंड कन्फर्म, और कन्फर्म करेगा वेदर योर टिकट इज़ अवेलेबल और नॉट, कि आपने जो जर्नी डेट दी है उस तारीख में कोई टिकट अवेलेबल है या नहीं है। तो ये कॉल कहलाएगा प्रोसेस। देखिए, इसमें प्रोसेस करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आउटपुट। सो आउटपुट रेफर्स टू प्रोडिक्टिंग रिजल्ट और प्रोसेस डेटा थ्रू द मॉनिटर और प्रिंटर। तो आउटपुट क्या करता है, रेफर करता है, किसको, प्रोडक्टिंग करता है रिजल्ट को, और प्रोसेस करता है डेटा को थ्रू मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर और प्रिंटर की मदद से। आउटपुट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, आउटपुट हमें इंफॉर्मेशन देता है। देयरफॉर वी कैन से, जहाँ पे कि हम कह सकते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज, कि इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसीड है डेटा के लिए, यानी जो डेटा हमें मिला उसको हमने क्या कर दिया, रिजल्ट के लिए प्रोसीड कर दिया। वन एग्जाम्पल इज दैट, एक एग्जाम्पल ये भी है कि द पर्सन एट द टिकट काउंटर, वो व्यक्ति जो टिकट काउंटर पे बैठा हुआ था, विल इशू योर टिकट, दैट टिकट, वो आपको टिकट देगा, इफ इट इज़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है, इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो नहीं दे पाएगा। इफ टिकट्स आर अवेलेबल, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द मॉनिटर, अगर टिकट अवेलेबल होगी, अगर यानी उस दिनांक में, उस तारीख में जिस दिन आप यात्रा करना चाहते हैं, अगर उस दिन टिकट अवेलेबल होगी तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड, तो ये वहाँ पे मॉनिटर पे दिखाएगा। एंड द मैन विल इशू यू अ प्रिंटेड टिकट, और वो व्यक्ति हमें एक प्रिंटेड टिकट दे देगा। देयरफॉर इसके लिए क्या होगा, अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, एक कंप्यूटर क्या करेगा, कॉल करेगा डेटा प्रोसेसिंग मशीन, ऑल्सो डेटा प्रोसेसिंग मशीन से पूछेगा कि भाई क्या इस दिन आपकी टिकट खाली है, वो बोलेगा हाँ खाली है, तो ठीक है, अगर खाली होगी तो वो हमें मॉनिटर पे दिखाई देगी और वो हमें उस डेट की टिकट्स में से टिकट दे देगा, अगर खाली नहीं होगी तो जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पे वो टिकट की जगह ब्लैंक दिखाएगा कि भाई टिकट्स अवेलेबल नहीं है।
तो वो हमें बोलेगा कि नहीं सर, इस दिन कोई भी टिकट्स नहीं हैं, या मैम नहीं, इस दिन कोई भी टिकट्स नहीं हैं, तो इस डेट की मैं आपको टिकट्स नहीं दे पाऊँगा। अगर आप किसी और डेट में चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसे चेक कर लूँ, और फिर हम अपने सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग अगर उनसे कोई और डेट बताएंगे तो वो हमें उस डेट की टिकट चेक करके अगर अवेलेबल होगी तो दे देगा। द ह्यूमन ब्रेन ऑल्सो वर्क ऑन IPO, जो हमारा मस्तिष्क है, मनुष्य का दिमाग है, वो भी IPO साइकिल पे काम करता है। एज कैन बी सीन, जैसा कि हम देख सकते हैं इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, हमारे अगले एग्जाम्पल के अंदर, कि जो हमारा मस्तिष्क है वो किस तरीके से IPO सिस्टम पे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें एक ऊपर लिखा हियर थिंक और स्पीक, ये आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाया है कि हियर थिंक एंड स्पीक, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो हियर जब हम सुनते हैं तो ये क्या है, इनपुट है, थिंक जब हम सोचते हैं तो ये क्या है, प्रोसेस है, और स्पीक जब हम बोलते हैं तो ये क्या है, आउटपुट है। तो इसको देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू, व्हेन योर टीचर आस्क योर क्वेश्चन, तो जब आपकी टीचर आपसे कोई सवाल पूछती है, मान लीजिए मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, यू लिसन केयरफुली, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से पहले उस सवाल को सुनेंगे, उस क्वेश्चन को सुनेंगे, दिस इज कॉल्ड इनपुट। और हम जब सुन रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जो डेटा टीचर के थ्रू मिल रहा है, टीचर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, हम उसको इनपुट की तरफ ले रहे हैं। विच यू आर टेकिंग, जो कि आप लेते हैं, देन यू बींग थिंकिंग ऑफ द राइट आंसर, अच्छा फिर हम उसके ऊपर सही जवाब को ढूंढते हैं कि मैम ने पूछा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, तो हम सोचते हैं कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कई बार हमें तुरंत याद आ जाता है, कई बार हमें सोचना पड़ता है, तो हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले हमने क्वेश्चन को सुना, फिर हमने दिमाग में उसको सोच के सुन के सोचा कि इसका जवाब क्या हो सकता है, एंड दिस इज प्रोसेसिंग इज फाइनली, और जे विच इज़ द दिस इज कॉल्ड द इनपुट, व्हेन यू बीइंग थिंकिंग दिस इज़ द राइट आंसर, कि सही आंसर क्या है, दिस प्रोसेसिंग एंड द फाइनली, ये प्रोसेसिंग कहलाती है, और फाइनली यू गिव द आंसर टू टीचर, और आपने मुझे जवाब दिया कि मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये जो आपने मुझे आंसर दिया, द आंसर विच इज़ द रिजल्ट ऑफ योर इनवैल्यूएबल थॉट इज कॉल्ड आउटपुट, तो जो हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही थी कि इसका जवाब क्या होगा, उसका जब हमने आंसर दे दिया तो ये आंसर क्या है, हमारा आउटपुट है। तो हमारा ब्रेन भी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट सिस्टम पे काम करता है। आगे देखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, जिसे आजकल क्या कहते हैं, कैबिनेट भी कहते हैं, द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज डन इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो जो डेटा है, जो डेटा इनपुट होता है, उस पर प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU करता है। CPU इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में सोचने का काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, उसी तरीके से कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है, तो CPU कर रहा है, और इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। लेट्स अस लुक द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU बिलोंग, तो अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है मैंने आपको, जिसमें देखिए इनपुट है, इनपुट के अंदर मैंने कंप्यूटर का चित्र ले रखा है, देन फिर मैंने CPU ले रखा है, जिसमें CPU के कुछ पार्ट्स हैं CU, ALU और MU, CU मतलब, ALU मतलब, और MU मतलब, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एंड MU इज मेमोरी यूनिट। इसी को प्रोसेसिंग को आगे करते हुए नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट, यानी जो मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, ये क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन पार्ट हो गए, कौन सा, CU, दैट इज देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ CPU, देखिए CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और MU यानी मेमोरी यूनिट।
सो फर्स्ट पार्ट था सी यू कंट्रोल यूनिट. द यूनिट विच कंट्रोल एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम. वो यूनिट जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है किसको, कंप्यूटर के सिस्टम को, इज नॉन एज सी यू. उसको सी यू और कंट्रोल यूनिट कहते हैं. इन दिस यूनिट, इस यूनिट में द फ्लो ऑफ डेटा इज मैनेज. जो डेटा का फ्लो है वो मैनेज्ड होता है थ्रू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे मैनेज होता है. दिस इज ऑल्सो नॉन एज द कंप्यूटर्स नर्वस सिस्टम. यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी इसे कहते हैं. हमने पढ़ा सी यू, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ए एल यू. ए एल यू इज अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट. ए एल यू इज अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट. इट परफॉर्म अर्थमैटिक ऑपरेशंस. ये अर्थमैटिक ऑपरेशंस पे काम करता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ईटीसी. फॉर एग्जांपल 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 एंड 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 13 एंड द सेम इज 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 9. यानी एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, मल्टीप्लीकेशन किया और डिवीजन भी करा. दिए हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स ली. लॉजिकल ऑपरेशंस आर आल्सो परफॉर्म्ड एज. लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. जैसे कि सच एज 6 इज ग्रेटर देन 4 और 3 इज लेस देन 9. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रेटर देन लेस देन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. योर ईच एंड एवरी डाउट हैड क्लियर्ड. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू आर फील फ्री टू आस्क मी. यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास. लव यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.